सब्जी? बढ़िया। गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सौम्या शर्मा ऑफिशियल में। सुबह के अभी 5 बज रहे हैं क्योंकि आज रामनवमी का दिन है। रामनवमी का दिन कर लेती हूँ मैं। और मैं सारा घर का काम कर चुकी हूँ अभी, मतलब कि धोना जो होता है, किचन को साफ करना, क्लीनिंग का काम सब कुछ कर ली हूँ। बस अभी बच रहा है, अभी हमको ब्रश करेंगे, नहाएंगे और डायरेक्ट खाना बना देंगे। मतलब जो बनेगा, पूड़ी पुलाव खीर वगैरह जो बनेगा, जो फेस्टिवल में बनता है ज़्यादातर बिहारियों में, वैसा ही बनेगा। और आप लोग वीडियो में बने रहें, अगर वीडियो आपको पसंद आए मेरा, ना पसंद आए तो भी देखिए प्लीज़ क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा नई हूँ, थोड़ा सपोर्ट कीजिए आप लोग प्लीज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं आप लोग को दिखाती हूँ दोस्तों कि मेरा छत से कैसा व्यू है। ये तो नानी मोटर ही रखी है, बकरी का जो घास नहीं होता वो वाला। ये है मेरा घर, आगे भी है, आधा बना हुआ है दोस्तों और आधा नहीं बना हुआ है। ये हरियाली है, आज नानी जी बकरी को इधर बांधी है। ये मेरी नानी जी है, मैं दिखाती हूँ। किट्टू है दोस्तों, जो कि मेरा सबसे लाडला और प्यारा है बाबू। व्हाइट वाला ब्लैक वाला किट्टू है। ये देखो, खुद खाएगा, दूसरा को देगा? ही खाओ ना, दे नहीं देगा दूसरा को। खाओ ना, खाओ। ये लोग खाती है बहन बहन। ये जो है ब्लैक वाली छोटी वाली बाबू, ये काली वाली जो नहीं है ब्लैक वाली बकरी, उसका है। और ये रेड वाली है व्हाइट वाली, वो उसका है। वो मारती है जो उधर साइड में, एकदम साइड में। और ये जो है जो बांस के पास खड़ा हुआ है, वो उसका है व्हाइट और ब्लैक वाला का। गेहूं नहीं अच्छा लगता है, बस इसको लकड़ी अच्छा लगता खाने में, लकड़ी खा रहा है ये। ऐ लड़का, कितना प्यार से ये लोग खा रही है। नानी जी खिला रही हैं, ये लोग खा रहे हैं। देखिए दोस्तों, रामनवमी के दिन पूड़ी बना रही हूँ और इधर खीर चढ़ा दी हूँ और पुलाव बनाई हूँ। जल्दी जल्दी काम कर लेती है दोस्तों। मेरी मम्मी जी देखिए दोस्तों, पूजा कर रही हैं अभी। मेरी मम्मी जी रामनवमी के दिन देवी थान भी जाती हैं पूजा करने। ये हमारे कुल देवता हैं दादाजी का, जिसमें पूजा कर रही हैं नाम से।
आप लोग कैसे मनाते हैं रामनवमी के दिन, आप लोग कैसे त्यौहार को, फेस्टिवल को मनाते हैं दोस्तों, कमेंट करके प्लीज बताएं। आप लोग का घर में क्या बनता है, खाने में पूजा कैसे होता है, ये थोड़ा सा बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते दोस्तों, प्लीज आप लोग कमेंट करिए ताकि मैं अच्छा से और जान पाऊं कि आप लोग को मेरा वीडियो कैसे, मतलब कितना पसंद आ रहा कितना नहीं। धोएंगे अभी बांस को। पूजा करते दिखा रहे हैं और क्या दिखाएंगे। अभी पूजा थोड़ा ना स्टार्ट हुआ होगा। देखिए दोस्तों, बांस में लोड़ी और घी लग रहा है। अब इसमें झंडा भी लगेगा। रामनवमी के दिन मेरे घर में हर साल ऐसा होता है, सेम पूजा होती है। बहुत ही लंबा है बस। हम लोग छोटा ही थोड़ा सा इस बार बांस ढूंढे हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होता है छत पर, हम लोग लगाएंगे इसे। पांच को टीका दे दीजिए। नहीं अभी नहीं लगेगा पॉजिटिव। अच्छा से अगरबत्ती है हाथ बचाकर। ये हमारे कुल देवा है, क्या है, बाघो जी, बाघो जी नाम है ना मम्मी, बाघो जी है। दादाजी का एक स्टोरी है जो कि मैं आपको अच्छे से बताऊंगी फिर कभी। तब से मेरे घर में कुलदेवा बाघो जी पूजाने लगे, उनका पूजा होने लगा। ये जो पीढ़ा है दिखा देती हूँ दोस्तों, ये बाघो जी है, ये देखिए, ये जो पीढ़ा है ना वो लेट है ही, क्या निकाले। मम्मी जी जा रही है दोस्तों देवी थान। और मैं भी जा रही हूँ साथ में। मैं ये है मेरा गली।
ये मेरा गांव का मंदिर है दोस्तों, देखिए देवी थान मंदिर इसे बोला जाता है। कुछ महिलाएं यहां पर पूजा कर रही हैं पहले से ही। ये वृक्ष है, माना जाता है इसमें पांच देवता का वास होता है। ये पीपल का है। क्या नाम है क्या नाम है बाबू तुम्हारा? गोमाल। पूजा कर ली? खा ली? क्या खाई? क्या खाई? भात सब्जी। भात सब्जी, बढ़िया। ये चापाकल है मेरा गांव का, जिसमें पानी लिया जाएगा। देखिए दोस्तों, ये शिव मंदिर है और ये बजरंग बली का मंदिर है, वो देवी स्थान है पीछे वाला। ये छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे गांव के, देखिए। ये महावीर जी हैं हमारे गांव का। ये कुछ महिलाएं मंदिर में पूजा कर रही हैं। हाँ मम्मी पूजा कर रही है। हमारे गांव की चाची जी हैं, देखिए मंदिर में जो पूजा कर रही हैं। रामनवमी के दिन काफी अच्छा खासा भीड़ लगता है दोस्तों हमारे गांव में मंदिर में। Thank you.
पूजा करके आ गई है मंदिर से, अब जा रही है घर। हम लोग जा रहे हैं दोस्तों, घर में ध्वजा गड़ा गया है, रामनवमी का पूजा हो गया है। रामनवमी के दिन खाना बना ली हूँ मैं सारा, देखिए ये पूरी बनाई हूँ। बिहारियों में ज्यादातर ऐसा ही खाना बनता है, मेरे घर में तो ऐसा ही बनता है। और ये देखिए पनीर और आलू की सब्जी है, ये पुलाव है। मैं हल्दी थोड़ा सा डाल दी हूँ थोड़ा कलर अच्छा आने के लिए, देखिए ना तो ऐसे व्हाइट व्हाइट सादा सादा लगता है, और उसमें ना थोड़ा सा अलग टाइप का बनाती हूँ ना तो थोड़ा सा काला काला टाइप का भी लगता है, इसलिए हल्दी डाल दी हूँ ताकि सुंदर लगे मेरा ये पुलाव। मैं आपको दिखाती हूँ, इसी से ही चला देती हूँ दोस्तों, क्या करूँ घर में चलता है। ये देखिए और मैं खीर बनाई हूँ, उसको ढक देती हूँ। ये देखिए खीर काफी लाजवाब और अच्छा बना है। हम गाढ़ा गाढ़ा बनाई हूँ खीर, बहुत ही अच्छा बना है दोस्तों। मैं खाना खा ली हूँ, मेरे फैमिली वाले खाना खा लिए हैं सारे।